हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एनसीईआरटी बुक सेंटर में। और आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि 6,000 से ज़्यादा पदों पर जो है आपको शिक्षकों की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर कौन कौन सी पोस्ट है सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बेहतरीन पोस्ट आपकी निकल चुकी हैं। तो आप इन पदों पर तैयार रहें और इसकी तैयारी करते रहें। तो चलिए जानते हैं कौन सी पोस्ट है, सभी अभ्यर्थी इन पर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन पोस्ट हैं, बहुत सालों के बाद पोस्टें निकाली गई हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसके लिए आप यहाँ पर 5/12/2022 से आप 22 से आप आवेदन कर सकते हैं 26/12 तक का, ठीक है। जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है अभी कुछ नहीं आने वाला, तो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि ये आपके आने ही वाली है ऑलरेडी, तो ये आपकी आ चुकी हैं। कितनी कितनी पोस्ट है वो आपको बता देता हूँ। ये आपका KBS में निकल के आ रखी है, गवर्नमेंट जॉब है, सीधी भर्ती आपकी रहेंगी। जो कैंडिडेट यहाँ पर फिल करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, उत्तराखंड के अभ्यर्थी, यूपी, बिहार, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और आपका जो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो आपका हर एक जनपद, हर एक जिले, जो सॉरी यहाँ पर आपके सेंटर में, स्टेट में रहेगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिसमें आपका उत्तराखंड से फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देहरादून में मिल जाएगा। और यहाँ पर यूपी वाले, यहाँ पर लखनऊ में, अलग अलग चंडीगढ़, हरियाणा, मुंबई, हर जगह आपको यहाँ पर इसके एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि हल्द्वानी में भी इसका हो सकता है, ठीक है। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा देखोगे ना, उसका आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते KBS के ऑफिशियल साइट में, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आप लोग की जो पोस्ट निकल के आ रखी है वो आपका प्राइमरी टीचर की निकल के आ रखी है, डायरेक्टली आपका सीधी भर्ती है, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंटल नहीं है, कई लोग जो है डिपार्टमेंटल कर रहे थे जब मैंने आपको पहले बताया था कि डिपार्टमेंटल निकलेंगी, तो ये अगर हो रहा तो यहाँ पर देखते PRT की भर्ती निकली है। और इसमें आप देखते PR प्राथमिक शिक्षकों में काफ़ी वैकेंसीज है, जिसमें आपके यहाँ पर टोटल BEd कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। BEd और DEd दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंक आपके होने चाहिए BEd कैंडिडेट के पास, और 10+2 में आपके पास, और यहाँ पर DEd वाले आपके पास होने चाहिए, और स्नातक में आपके पास BEd कैंडिडेट के पास यहाँ पर 50% अंक होने जरूरी हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पर 2599 पोस्ट हैं, OBC के लिए 1731 पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। अपने अपने कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं है कि आप जनरल में, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की फॉर्म है, तो आप अपने अपने कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं कोई भी स्टेट के हो, ठीक है ना। और SC के देखते हैं, यहाँ पर 962 हैं, और यहाँ पर 481 यहाँ पर आपका ST का है, और EWS के 641 पोस्ट हैं। ये इतनी पोस्ट आपके बहुत कम समय बाद निकलती हैं, तो लगभग 6,014 पोस्ट आपकी रहेंगी। और OH के लिए भी यहाँ पर 797 है, और 96 आपका VH के लिए भी है। इसके लिए आप 5/12 से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, और 26/12 तक आप आवेदन कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पर CTET फर्स्ट निकाला है, प्राइमरी लेवल के लिए CTET फर्स्ट होता है, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर CTET फर्स्ट सेकंड है क्वालिफाई, तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे, तो CTET फर्स्ट होना चाहिए। UTET या UPTET अगर ये नहीं चलेगा आपका, ओनली CTET चलेगा इसमें, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो है इसकी जो ऑफिशियल साइट, वहाँ पर इसका विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, लगभग एक दिन पहले होगा, 5 से पहले आपको 4 को देखने को मिल जाएगा। जब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपडेट ऐसे मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। ये पोस्ट निकल चुके हैं, और यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आपका ऑनलाइन आपको होगा 5 तारीख से, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आप तैयारी करते रहें, इसका सिलेबस सब कुछ मैं आपको बता दूंगा जब इसका ऑफिशियल साइट पाएगा। बाकी नॉर्मल सा सिलेबस रहता है इसका, और पुराना सिलेबस ही रहेगा, जो कोई नया नहीं है इसका, और आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैंडिडेट आप फिल कर सकते हैं इन पदों पर, जो भी है BEd और DEd दोनों अप्लाई कर सकते हैं।